काश मेरे 2 नंबर कम आए होते और मैंने टॉप ना किया होता तो बहुत अच्छा होता। क्या आप जानते हैं ये शब्द किसने और किन हालातों में उसने ऐसा कहा होगा? अगर नहीं तो ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। ये शब्द हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th में टॉप करने वाली प्राची निगम के। जी हाँ, पूरे स्टेट में टॉप करने वाली छात्रा ने ये शब्द कहे हैं। उसे ऐसा कहने के लिए मजबूर किया कि यूट्यूबर्स और मीमर्स ने, क्योंकि वो लोग कुछ व्यूज और लाइक्स पाने के लिए इस हद तक गिर गए कि पूरे स्टेट में टॉप करने वाली प्राची निगम खुद पर गर्व करने की बजाय अफसोस करने लगी। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में रहने वाली प्राची निगम ने इसी साल 2024 में कक्षा 10वीं में 600 में से 591 अंक प्राप्त करके यूपी बोर्ड हाई स्कूल की परीक्षा में टॉप किया, जिसमें उसका कुल परसेंटेज 98.50% रहा। उसने 3 विषयों में पूरे के पूरे 100 अंक प्राप्त किए। यूपी बोर्ड ने जैसे ही 20 अप्रैल शनिवार को 10वीं का रिजल्ट घोषित किया, वैसे ही प्राची निगम का फोटो पूरे देश में वायरल हो गया। उसके फोटो वायरल होने की वजह यूपी बोर्ड में टॉप करना नहीं था, बल्कि उसके फेशियल हेयर थे। जी हाँ, प्राची के फेशियल हेयर। उसके लुक की वजह से मीमर को लाइक्स पाने का एक जरिया मिल गया था, या यूं कहें कि एक मटेरियल। कुछ ही घंटों में उसका फोटो सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स में वायरल हो चुका था, लेकिन प्राची इस बात से अनजान थी। हाई स्कूल में टॉप करने पर प्राची के स्कूल टीचर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव और उसके पड़ोसी उसे बधाइयां दे रहे थे और उसके परिवार वाले उसकी इस अचीवमेंट में बहुत ज्यादा खुश थे। लेकिन जैसे ही उन्हें इस बात की जानकारी मिली कि प्राची को उसके लुक्स की वजह से ट्रोल किया जा रहा है, मीम्स बनाए जा रहे हैं, तब वो बहुत ज्यादा परेशान और दुखी हुए। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि एक टॉपर के साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। क्योंकि अगर किसी ने भी ऐसा सोचा होता तो उनमें से कोई भी प्राची को पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए ना बोलता, बल्कि उसे अपने लुक्स पर ध्यान देने के लिए कहता। प्राची भी औरों की तरह ही फिल्टर लगाकर फोटो पोस्ट करती और ऐसा कुछ करती जिससे वो सुंदर दिखें, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने सिर्फ अपने गोल पर फोकस किया और पढ़ाई करती रही। यही वजह थी कि टोलर्स और मीमर्स ने उसके अंक पोस्ट करने की बजाय, जो कि हिंदी में 97, इंग्लिश में 97, मैथ्स में 100, साइंस में 100, सोशल साइंस में 97 और ड्राइंग में 100 थे, उसके फेशियल हेयर वाले फोटो पोस्ट किए और उसका जमकर मजाक उड़ाया। एक और जहां कुछ लोग अपनी घटिया मानसिकता के चलते उसे ट्रोल कर रहे थे, तो कुछ लोग उसका सपोर्ट भी कर रहे थे। प्राची निगम ने तारीफ करने वाले और मजाक उड़ाने वाले दोनों तरह के लोगों को एक्सेप्ट किया, इसीलिए उसने अपनी सूरत पर कमेंट करने वालों को बधाई दी और सपोर्ट करने वालों को धन्यवाद दिया। प्राची ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि मेरी फोटो देखकर लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं कि मैं कैसी लड़की हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो लोग मेरे बारे में क्या बात कर रहे हैं, और उन्होंने उन सभी को बधाई दी। प्राची ने आगे चाणक्य का उदाहरण देते हुए कहा कि चाणक्य का भी लोग उनकी शक्ल और सूरत को लेकर खूब मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन उन्होंने उनकी बातों को नजरअंदाज किया और अपने लक्ष्य पर फोकस्ड रहे और अपने काम से उन सभी की बोलती बंद कर दी। उनकी तरह ही मेरा भी एक लक्ष्य है और मैं भी सिर्फ उसी पर ध्यान दे रही हूँ, प्राची ने अपने ट्रोलर्स को मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन कुछ लोग हैं जो ऐसा नहीं कर पाते, हिम्मत नहीं दिखा पाते और ट्रोलिंग के डर से ऐसा खौफनाक कदम उठा लेते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। क्या यही हमारा समाज है जो अच्छे के साथ खड़ा नहीं होता, लेकिन अच्छाई में भी बुराई ढूंढ लेता है, जो प्राची के साथ हुआ? इस वीडियो में बस इतना ही। हम सबको ये सोचने की जरूरत है कि हम क्या बन चुके हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट चाहिए। उसके लिए चाहे किसी की जान पर भी क्यों ना बनाए। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।